हरे कृष्ण बायोलॉजी तो आज आम पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डीएनए रो स्ट्रक्चर कौन से बाबद आज आम पढ़ा आस डीएनए रो स्ट्रक्चर जदि आम कह डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर मेड बाय मेनी न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड को नेगी गोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तैयारी होता है और प्रति दुईट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डबल स्टैंडर्ड आकार हेलिकली से कौन होता ना कॉइल्ड होता है। तो ये जो डीएनए रो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बा मॉलिक्युलर मॉडल जो प्रपोज करते सी हूँ तुम वाटसन एंड क्रिक सहित तुम जो विल्किन्स नामक जो साइंटिस्ट सी भी तुम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी थ्रू रे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते तेणु तीन जन वाटसन क्रिक एवं विल्किन्स तीन जन जाक नोबेल प्राइज पाई तेणु बर्तमान आम जी आम टॉपिक रे जोटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाबद जी आम कह डीएनए रो स्ट्रक्चर जब आम देखा तो सेथिरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दुईट रही है तेणु टू स्ट्रैंड रही है जोटा कि हेलिकाली रही है तेणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बा स्ट्रैंड रे बहुत सारा कौन रही ना मेनी न्यूक्लियोटाइड्स रही तेणु बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड क्या द्वारा तैयारी ना तीन टा कंपोजिशन तीन टा स्ट्रक्चर को लेकिन या गोटे सुगर जोटा कि पेंटोज सुगर डीऑक्सी राइबोज सुगर बोल के आम कहे इन केस ऑफ डीएनए एवं सहित नाइट्रोजिनस बेस एवं सहित गोटे फॉस्फेट तेणु ये तीन टा स्ट्रक्चर मिसी गोटे कौन करे ना न्यूक्लियोटाइड तैयारी करता है तेणु ये प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जॉइन होता है क्या द्वारा ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा तो ये तुम देखिपार्च तो ये गोटे न्यूक्लियोटाइड तम मैंने ये है तुम सुगर ये बेस लगी एपटे तुम फॉस्फेट लगी एपटे सेमती ये गोटे न्यूक्लियोटाइड तो ये प्रति न्यूक्लियोटाइड गुड़ाक जॉइन होता है गोटे फॉस्फो डाइस्टर लिंक द्वारा लगी था तेणु मानने जी प्रथम लगी मानने जार प्रथम न्यूक्लियोटाइड सी तार थ्री डैश एंड सेकेंड टार तुम फाइव डैश एंड कार्बन सहित लगी फॉस्फेट ग्रुप सहित कौन हुए ना मानने ईस्टर बॉन्ड तैयारी होता है और जेहेतु तुम फॉस्फेट ग्रुप थाए तो आम कौन कहू ना फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड बोल के आम कही था तेणु ये है तुम फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड तैयारी हुए जनकर थ्री डैश मानने सुगार थ्री डैश कार्बन सहित जो वेज थाए आउ जनकर तुम फाइव डैश कार्बन सहित जो लगी था फॉस्फेट ग्रुप सहित कौन होता है ना तुम ये बॉन्ड टी तैयारी होता है तेणु प्रत्येक फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड द्वारा कौन होता है ना प्रति न्यूक्लियोटाइड कौन होता है ना जॉइन होगी तो एमती पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड तैयारी करे तो बर्तमान देखिए आस तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रे जो सब बेस सब जो रही नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोटाइड जो बेस सब रही से बेस केते प्रकार कौन कौन से स्ट्रक्चर बाबद जानवा आस तो नाइट्रोजिनस बेस हूँ तुम टू टाइप्स गोटे तुम प्यूरीन आ गए पिरीमिडिन प्यूरीन टा जोटा तुम डबल रिंग स्ट्रक्चर जोटा एडेनाइन आ गुआनाइन प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर जोटा एवं पिरीमिडिन है तुम डीएनए केस रे साइटोसिन आउ थायमिन आरएनए केस रे थायमिन जगह यूरासिल रही था जोटा कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है तेणु प्रथम जदि आम प्यूरीन बाबद जदि कह प्यूरीन जेहेतु डबल रिंग स्ट्रक्चर तेल ये गोटे रिंग डबल रिंग स्ट्रक्चर तेणु ये जो डबल रिंग स्ट्रक्चर आडेनाइन कथा जदि आम कह यहाँ आम कहीपर जो सिक्स आमिनो प्यूरीन कहीं यार छ नंबर पोजिशन आमिन ग्रुप लगी था तेणु यह कहुए सिक्स आमिनो प्यूरीन बोल के कहुए यार काउंटिंगटा सब कौन हुए ना आंटी क्लॉक वाइज हुए तो मैंने ये पोजिशन रु तुम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन एवं जितेबाला बेसटा सुगार को लगे ये नौ नंबर पोजिशन को लगे जिते जदि प्यूरीन बेस होते तार प्रति नौ नंबर पोजिशन देखो गुआनाइन केस जदि आम देखा से या को आम कहीपर जो टू आमिनो सिक्स ऑक्सीप्यूरीन टू आमिनो यार टू दुई नंबर पोजिशन को देख आमिन ग्रुप लगी सिक्स ऑक्सीप्यूरीन तमें छ नंबर पोजिशन को लगी तुम ऑक्सीजन ग्रुप लगी तेणु ये जो टू आमिनो एवं सिक्स ऑक्सीप्यूरीन तेणु ये जो लगी तेणु ये को आम देखा तो यार नाइन पोजिशन तमें आडेनाइन हो कि गुआनाइन हो तो मैंने जो जितेबाला सुगार सहित बेस रे मैंने सुगार सहित जो अटाच हमें सुगार रो एक नंबर कार्बन सहित एवं
एमानंकर 9 नंबर पोजिशन नाइट्रोजन ग्रुप सहित एमाने बाइंड होती तेणु ये तुम प्यूरीन बाबद प्यूरीन अमीनो एसिड जो सरी प्यूरीन जो नाइट्रोजिनस बेस रही तो एडेनिन और गुआनिन बाबद देखिले बर्तमान पिरिमिडिन जोड़ा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर साइटोसिन और थायमिन बाबद स्ट्रक्चर देखा आस तो बर्तमान पिरिमिडिन स्ट्रक्चर जदि आम देखा ये हूँ 2-oxy-4 अमिनो पिरिमिडिन जी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर और एम नंबरिंग सिस्टमटा केमी हुए ना क्लक व्वज होता है ये पोजिशन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तेणु यार फोर्थ पोजिशन कार्बन को लगी अमिन ग्रुप एवं दुई नंबर पोजिशन को लगी किए ना ऑक्सीजन ग्रुप तेणु ये जो लगे जेहेतु तुम ये ग्रुप सब लगे तेणु से अनुसार आम नेमिंग कर 2-oxy-4 अमिनो पिरिमिडिन जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जोटा कि साइटोसिन केस देखा जाए तापर नेक्स्ट आसपा जी किए ना थायमिन थायमिन स्ट्रक्चर देख तो ये भी सिंगल रिंग स्ट्रक्चर तो ये थायमिन रे देख यार 5 नंबर कार्बन को मिथाइल ग्रुप लगी 5 मिथाइल एवं 2 नंबर 4 नंबर को ऑक्सीजन ग्रुप लगी तेनाली आम कौन कौचे ना 2-4-dioxypyrimidine बोली कौचे तेणु यार भी नेमिंग सिस्टम से क्लोक वाइज होता है तेणु आम मन रखा जे प्यूरीन केस रे आंटी क्लोक वाइज होता बेले प्यूरीन पिरिमिडिन पिरिमिडिन केस रे क्लॉक वाइज तुम नंबरिंग सिस्टम होता है तेणु बाकी तुम यूरासिल कथा जदि कह तो ये 5 नंबर पोजिशन जो मिथाइल ग्रुप को हटेद तुम सीटा हटेदे कौन हम ना हाइड्रोजन गुट आसिक बस तेणु ये हो तुम यूरासिल तेणु मिथाइल ग्रुप जदि आम ये कह मिथाइल ग्रुप तुम डीएनए केस रे देखा जाए कि आरएनए जो तुम डीएनए केस रे थायमिन देखा जाए कि आरएनए केस रे थायमिन कौन पे देखा जाए ना मिथाइल ग्रुपटा तुम कौन करे ना बेले बेले क्या सहित बंडिंग कर चान्स थाए तो से तुम कौन हुए ना से आरएनए केस रे तुम ये जगह मिथाइल ग्रुप न थाए बाकी आउ स्ट्रक्चर सब सेम थाए तेणु ये तुम नाइट्रोजिनस बेस बाबद देखिए आस बर्तमान सुगार स्ट्रक्चर सुगार आउ फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चर बाबद देखा तो डीऑक्सी राइबोस सुगार कथा जब आम देखा तो डीऑक्सी राइबोस देख तो यमर नेमिंग सिस्टम केमती होता है ना आरोटा नाइट्रोजिनस बेस को 1, 2, 3 कहते हैं तेणु ये केस रे कौन कहूँ 1-2-3-4-5 तेणु ये जो एक नंबर पोजिशन जो कार्बन रही तो ये एक नंबर पोजिशन सहित नाइट्रोजिनस बेस लगी था जदि से प्यूरीन हो नाइट्रोजिनस बेस रो 9 नंबर पोजिशन सहित ये एक नंबर सुगार कार्बन सहित लगे जदि पिरिमिडिन हो प्यूरीन हो 9 नंबर पोजिशन पिरिमिडिन हो तार तुम एक नंबर पोजिशन सहित कौन होता है ना अटाच ये सरी एक नंबर कौन 3 नंबर पोजिशन जो नाइट्रोजन अच्छी सहित अटाच होता है तेणु प्यूरीन केस रे तुम 9 नंबर पोजिशन और पिरिमिडिन केस रे तुम 3 नंबर पोजिशन अटाच होता है एक नंबर कार्बन सहित सुगार तेणु ये तुम लक्ष्य कर ये 2 नंबर पोजिशन तुम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जगह कौन है ना सिंपली एज रही हाइड्रोजन रही तेणु ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाए से ये प्रकार राइबोज सुगार को आम कौन कही था डीऑक्सी राइबोज सुगार बोलिकी आम बाकी तुम ये जो 3-N जो ओइज ग्रुप यहाँ ही तुम कौन कैर ना तुम जो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जॉइंट कर जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज तैयारी करें ये ही तुम मेन रोल प्ले करें तापर तुम ये तुम 5-N जहाँ सहित कि तुम किए लगे ना फॉस्फोरिक एसिडा लगी था फॉस्फेट ग्रुप लगी था तेणु ये है तुम डीऑक्सी राइबोज सुगार स्ट्रक्चर तापर बर्तमान आम जब आसवा फॉस्फोरिक एसिड तो ये फॉस्फोरिक एसिड प्रथम कौन मानने फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रक्चरटा किसी तेणु ये फॉस्फोरिक एसिड कौन हुए ना ये कार्बन रो मैंने डीऑक्सी राइबोज सुगार जो कार्बन 5 नंबर कार्बन सहित ये अटाच होता है तेणु प्रति जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रति एंड गुड़ाक जदि आम देखा तार एंड रे गोटे एंड हूँ तुम 5-डैश है बेले आ गए एंड के 3-डैश तो यही कारण जीतु मैंने गोटे एंडटा तुम कौन 5-डैश सहित लगे फॉस्फेट मैंने फॉस्फोरिक एसिडा लगे थोड़ा आउ गोटे एंड रुम ओएच ग्रुप फ्री थी तो से प्रति पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्रति एंड रे गोटे एंड जदि 5-डैश एंड है आ गए एंड के 3-डैश एंड होता है तापर बर्तमान ये जो न्यूक्लियोटाइड जो आम कंपोजिशन देखिले तो ये न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन
जो किमिति तैयारी हुए ता माने ये जो न्यूक्लियोटाइड जो हमें कंपोजिशन देखते ले जो कंपोनेंट उड़ा को किमिति मेसी के तमरा उड़े न्यूक्लियोटाइड तैयारी करे ना प्रथमे कौन हुए ना तमरा सुगर ता माने ये डीऑक्सी राइबो सुगर सुगर प्लस तमरा नाइट्रोजिनस बेस सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस मिसी के प्रथमे कौन तैयारी करे ना न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियो साइड तैयारी करे तापर परवर्त समय न्यूक्लियोसाइड सहित तो जिते बड़े फॉस्फेट ग्रुप बा फॉस्फोरिक एसिड अटैच हुए सेत तुम तैयारी हुए कौन ना न्यूक्लियोटाइड तैयारी होता है तेनालीराम तुम न्यूक्लियोटाइड और प्रति न्यूक्लियोटाइड गुड़ाक जॉइन हुए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जॉइन होता है बर्तमान देखा आस तो आउ कौन सब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को लेकिन जो डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड रही नाइट्रोजेनस बेस इत्यादि रही आउ कौन सब कैरेक्टरिस्टिक अच्छे जानवास तो डीएनए रो अलग जदि रूल देखा कैरेक्टरिस्टिक देखा तो चारगप्स रूल अनुजाई कहवा जो आडेनाइन आडेनाइन जी अमाउंट थाए डीएनए रे थायमिन अमाउंट थाए साइटोसिन जी अमाउंट थाए तुम गुआनाइन भी सेक अमाउंट थाए जदि आम ह्यूमन केस रे देखिबा आडेनाइन गुआ आडेनाइन आउ थायमिन पाखापाखि 30% रही बेले ये भी 30% ये भी 30% आउ बाकी तुम जो साइटोसिन आउ गुआनाइन ह्यूमन केस रे 20-20% रही थाए ता छड़ा आम कह कंबाइंड प्यूरीन तमाने ए प्लस जी इज इक्वाल टू सी प्लस टी तमाने देयर क्लोज टू यूनिटी जदि आम कह ताले ये कंबाइंड प्यूरीन इज इक्वल टू कंबाइंड पिरिमिडिन्स बा हमें कहबा जे एडेनाइन थायमिन डिवाइडेड बाय जीसी इज इक्वल लेके हमें 1 मध्ये हमें कहि परबा तनो ई चारगप्स रूल अनुसार हमें कहबा जे डीएनए रे जो तमर जो दीटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अछि तो से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सब बेले किमिति थाय ना एंटी पैरेलल रहै थाय एवं राइट हैंडेड से कॉइल हे थाय आंटी पैरेलली माने मनकर गुटे स्ट्रैंड तुम 3-5 एंड अच्छे आउ गोटे स्ट्रैंड थी तुम कौन ना 3-5 एंड थोड़ा प्रत्येक जो नाइट्रोजिनस बेस दुटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्लोज केमती अटैच होते ना हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दुईट अटैच होते तेणु एडेनाइन आउ थायमिन भितर दुईट हाइड्रोजन बॉन्ड थी बेले साइटोसिन आउ गुआनाइन भितर तुम तीनोटा हाइड्रोजन बॉन्ड थाए साइटोसिन गुआनाइन गुआनाइन साइटोसिन भितर तीनटा लेखा हाइड्रोजन बॉन्ड और एडेनाइन आउ थायमिन भितर थायमिन एडेनाइन भितर दुईटा लेखे तुम हाइड्रोजन बॉन्ड रही थाए जोटा कि कौन हुए ना राइट हैंडेड कॉइल है तुम आंटी पैरेलल दुईटा स्ट्रैंड अरेंज हो रही थाए तो बर्तमान देखा आस ये जो डीएनए जो स्ट्रक्चर जो हेलिकल मॉडल जो आम देखे तार साइज बाबद तार डायमीटर तार बेस पेयर इत्यादि बाबद जानवा आस तो डीएनए रो स्ट्रक्चर जदि आम एक्चुअल साइंटिफिक डायग्राम जदि आम करने चाहिए तो प्रथम आम गोटे इमेजिनरी लाइन ड्र करवा एमती आंटी पैरेलल आम तीन टा सेट लाइन सेट को आम ड्र करवा तापर प्रत्येक ये ब्लू मार्क जॉइन कर प्रत्येक ऊपर लाइन सहित तो, तार नेक्स्ट सेट ऊपर लाइन सहित तो आम जॉइन करवा तो एमती जॉइन कले कौन हम ना गोटे एक्चुअल डीएनए डायग्राम क्रिएट हो पार जोटा कि तुम अरुण चंद्र साहू सी एमतीका मॉडलटा प्रपोज करते तो ये आम देखा जी एक्चुअल डायग्राम केमती करा जाए डीएनए रेणु जो डीएनए रो स्ट्रक्चर जो तुम्हें देखो तो आम बेले बेले भूल कौन करूँ ना डीएनए भितर बहुत सारा बॉन्ड मैंने कौन एमती मैंने बहुत सारा गार दे दू जहाँफल कि कौन से गोटे रंग हुए जोटा कि साइंटिफिकली गोटे डायग्राम से नुह तेणु जेहेतु आमर बी फॉर्म डीएनए जोटा रही एक्चुअल जोटा आम केस डीएनए जो देखा जाए बा जोटा वाटसन क्रिक द्वारा जो मॉडलटा प्रपोज होता तो से 10 बेस पेयर रही था तेणु बर्तमान आम जो देखा बेस पेयर जदि इ मझीरे तुम बेस पेयर हूँ के गोटे टर्न में 10 बेस पेयर रही था जार लेंथ है के 34 आर्मस्ट्रॉन्ग और डायमीटर है के 20 आर्मस्ट्रॉन्ग दुटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भितर जो डायमीटरटा ये जो बेस पेयर कथा जदि आम हिसाब करके देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बाकी यटा जो एंगल जो पर्सन जो जॉइन है भाई देखा कि एक्चुअली ये जॉइन है ना तो मैंने दुईटा जिनस को जदि आम साइड सरफेस व्यू क्रॉस करके देखा तो केस जॉइन किंतु एक्चुअली
से दुटा एम फ्री मैंने कौन एम 20 डायमीटर सेपरेट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बैंड होते तेणु ये दुईटा मिसिकला कौन ना ये टोटाल होता 8 ये दुईटा मिसिकला के 10 तो या द्वारा लाभ कौन हुए एम डायग्राम कर द्वारा लाभ कौन हुए तुम मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप को आईडेटिफाई कर पार तो ये है तुम डीएनए र साइज बाबद डीएनए स्ट्रक्चर बाबद जान लो प्रति बेस पेयर भितर तुम डिस्टेंस के जेहेतु गोटे टर्न है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग 3.4 दुटा बेस पेयर भितर हुए कहीं बेस पेयर है 10 ये है 3 मान 34 आर्मस्ट्रॉन्ग 34 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू के तुम 34 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है तुम प्रति न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर भितर तुम जो डिस्टेंस गुड़िक तापर बर्तमान देखा आस तो ये जो डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड गुड़ाक डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को या पूर्व कहली जे प्रथम सुगर आउ नाइट्रोजेनस बेस मिसिक न्यूक्लियोसाइड हुए देन न्यूक्लियोसाइडा फॉस्फोरिक एसिड सहित मिसिक तुम कौन हुए ना न्यूक्लियोटाइड ही थे तो ये न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड नेम बाबद जानवा आस ताले प्रथम वर्तमान जो आमर जो न्यूक्लियोटाइड तैयारी होबा पई प्रथमे कोन होबा दरकार ना न्यूक्लियोसाइड होबा दरकार तेणु न्यूक्लियोसाइड होबा पई हेले प्रथमे कोन होबा दरकार ना सुगर आउ बेस मिसिबा दरकार तेणु मनकर सुगर डीऑक्सीराइबोज सुगर मिसिला एवं ता सहित मनकर आर्डेनाइन मिसिला ताले आमे कहबा ताकु डीऑक्सी आर्डेनोसाइन एवं सिंबॉलिकली डीआर ए लिखिबा आमे सेमती मनकर बेस रे मनकर गुआनाइन मिसिला तेल डीऑक्सी गुआनोसाइन जदि साइटोसिन मिसिला डीऑक्सी साइटिडिन मनकर जदि थायमिन मिसिला तले थायमिडिन तापरे तमर ई न्यूक्लियोसाइड तयारी गेला प्रति न्यूक्लियोसाइड सहित तमर कोन मिसिबो ना फास्फेट मिसिले तमर न्यूक्लियोटाइड तयारी हबो तेणु न्यूक्लियोटाइड प्रति नेम जदि आमे कहबा मनकर आर्डेनाइन मिसिची मनकर बेस रे आर्डेनाइन मिसिची एवं फास्फेट ता सहित मिसिला न्यूक्लियोसाइड मनकर कौन डीऑक्सी आर्डेनोसाइन प्लस तुम फॉस्फेट ग्रुप मिसिले कौन हम ना डीऑक्सी आर्डेनिलिक एसिड और आम कौन कहू ना डीऑक्सी आर्डेनोसाइन मोनोफॉस्फेट डीऑक्सी आर्डेनोसाइन मोनोफॉस्फेट सेमिति डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड और क्या डीऑक्सी गुआनोसाइन गुआनोसाइन न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट तब गोटे फॉस्फेट आड आसला सेमती डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड कहवा बापर डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट ये जमी तुम न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी साइटिडिन तो ये सेमती डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट ताबादे सेमती थायमिडिन तुम थायमिडिलिक एसिड कहपर थायमिडिन मोनोफॉस्फेट बोल कि आम कहपर तेणु ये है तुम डिफरेंट न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट नेम गुड़ाक आम जान जिते डिफरेंट डिफरेंट तुम न्यूक्लियो ये बेस पेयर मिस बेस जो मिस नाइट्रोजेनस बेस मिस अनुसार आम तार न्यूक्लियोटाइड नेम बा न्यूक्लियोसाइड नेम आम देपर तेणु ये है तुम टोटल डीएनए स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर बाबद डिस्कस कले तेणु भिडियोटी को समस्त देख प्लीज लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब Thank you for watching.